भाई साहब इतना पानी कहाँ से आ गया भाई, इतना पानी कहाँ से आ गया। देखो फ्रेंड्स, दूर दूर तक पानी भाई, ये देखो भाई, इतना सा बारिश में ये हाल। और बारिश होगा तो क्या होगा भाई साहब, पानी देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अदर ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, सुबह सुबह बारिश हो चुकी है और मैं भी निकल चुका हूँ अपने एक और नए राइडिंग ब्लॉग के लिए। और मौसम काफ़ी मस्त हो चुकी है, अभी देख सकते हैं। कुछ दिन से काफ़ी गर्मी थी तो बारिश होने से मतलब थोड़ी सी राहत मिलती है, तो सोचा चलो ऐसे मौसम में तो राइडिंग में जरूरी निकलना चाहिए। तो निकल चुका हूँ अपने राइडिंग ब्लॉग के लिए, सो लेट्स गो। और भाई साहब ये देखो भाई, इतने से बारिश में यहाँ पर इतना पानी जम गया, तो सोचो अगर सारा दिन बारिश हो तो क्या होगा, अगर एक लगा तो तीन दिन बारिश हो तो फिर क्या होगा भाई। कुछ भी चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है, चाहे वो गर्मी हो या ठंडी हो या बरसात हो। इसीलिए हमारे भारत में सब कुछ कंट्रोल में है, मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं, बारिश भी नहीं, ठंडी भी नहीं, सब लिमिट में है। नहीं तो किसी किसी कंट्री में आप जानते हैं, कहीं एकदम गर्म तो कहीं एकदम ठंड और कहीं एकदम बारिश। बात तो सही है। इसीलिए बोलते हैं ना, मेरा भारत महान। सो फ्रेंड्स, आज काफ़ी अच्छा मौसम होने के कारण ऐसे मौसम में घर में बैठे रहने से थोड़ी अच्छी लगती है। सो चलो निकलते हैं, कुछ व्यू लेते हैं, आप लोगों को व्यू शेयर करते हैं। सो अभी चलते हैं, थोड़ा सा रैंडम घूमेंगे, चलो लेट्स गो, पब्लिक रिएक्शन लेंगे। अच्छा, और अभी सुबह का 8:30, लगभग 7:30-8 बजे तक बारिश हुई। आप देख सकते हैं मतलब रोड में एकदम कहीं पानी जमी हो तो जमी है, लेकिन कहीं के एकदम रोड में बारिश के मतलब पानी सूख गई है। इतना गर्मी में रोड मतलब पूरा गर्म तो पानी एकदम सूख लिया आधा घंटे में, कहीं कहीं जमी हुआ पानी देख सकते हैं, कहीं एकदम पूरा लग ही नहीं रहा कि यहाँ बारिश हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही। सोच रहा हूँ बाहर थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ, भूख भी लग गया है, उसके बाद अपना ब्लॉगिंग के कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा घुगनी मुड़ी, जो मेरा इमोशन भाई, घुगनी मुड़ी और पोछ, यहाँ पर थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। One hour later. थोड़ा नाश्ता कर लिया, और नाश्ते में घुगनी मुड़ी और अंडा पोच, बस यही। मैं बाहर वो कचौड़ी ऐसे पूड़ी टूड़ी नहीं खाता हूँ, सब सही भी नहीं होता है। तो ये थोड़ा चलो बाहर का खाना तो ऐसा सही होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुड़ी घुगनी खा लेता हूँ। और रिया अभी फ़ोन भी की है, रिया स्कूल जाएगी। ये देखो भाई साहब, रिया आ भी गई है, यहाँ रोड पर खड़ी है। हाय कर दो, हाय हाय। कैसी हो? चलो तो रिया स्कूल जाने के लिए रेडी। मैं बोला इतना बारिश में स्कूल जाना क्या है, तो ये तो कुछ भी नहीं, रिया और भी बारिश में भीगते भीगते स्कूल गई है और क्लास भी की है, भीगे मतलब पूरा भीग गई थी। फिर भी एक चीज़ अच्छा रिया का मतलब स्कूल एब्सेंट नहीं करती है, मैं भी नहीं करता था। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, लेकिन आज ज़्यादा स्टूडेंट नहीं देख रहा हूँ मैं, शायद बारिश के कारण ज़्यादा स्टूडेंट आज स्कूल नहीं जा रहे होंगे। रिया लेकिन एब्सेंट नहीं करती है, अच्छी बात है। और रिया का तबीयत भी थोड़ा अच्छा नहीं है, फिर भी देखो स्कूल जा रही है। चलो मैं बोला भी नहीं जाना होगा, घर में मना किया, लेकिन बोले जाएगी। चलो स्कूल में अपना टाइम भी मतलब पढ़ाई भी हो जाएगा, टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, घर में बैठ बैठ कर बोरिंग भी हो जाता है। जो लोग स्कूल लाइफ मिस करो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, आई मिस माई स्कूल। मैं तो भाई सच्ची में बोलते ना, जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो तभी आप सच्ची में एक लाइफ जी रहे हो, अब बड़े हो गए तो समझ सकते कितना जिम्मेदारी, और जो स्कूल छोड़ देते उसके बाद समझते हैं कितना बड़ा गलती की है। ऐसा मेरा बहुत फ्रेंड है, पढ़ाई करते करते छोड़ दिया है, लेकिन अब बोलते हैं मैं सच्ची में बेकार पढ़ाई छोड़ा। बुक शॉप से कुछ शायद बुक या कॉपी लेगी, यह ले लो जल्दी से। क्या लेना है? रिया भी शॉप से कॉपी लेगी, वहीं से लेते हैं हम लोग। जल्दी से ले लो, फिर टाइम हो जाएगा स्कूल का। A few moments later. क्या ली? हाँ, कॉपी। चलो हो गया 50 रुपीज़।
25 में ये कॉपी। चलो और देखो भैया ये मेला लग रही है। कब है मेला? 7 तारीख। ओ अच्छा रथ मेला ना, हमारे यहाँ रथ मेला भी होते हैं और सबसे बड़ा रथ मेला तो लोग जानते हैं रथ यात्रा उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर, जय बजरंगबली। चलेंगे कभी वहाँ पर भी रथ यात्रा मनाने। भाई आज सच्चे मौसम बहुत अच्छा है, आज ऐसा नहीं कि धूप नहीं है तो गर्मी है, आज गर्मी भी कम है, हल्की हल्की हवा भी चले अच्छी लग रही है, ऐसा मौसम रहे तो मजा आ जाए ब्लॉगिंग में। लकड़ी के बाद बिकने शुरू हो गए बच्चे लोगों के लिए। A few inches later, फाइनली आ गए रिया के स्कूल और यहाँ पर काफी ज्यादा पानी जम गया, देखना सर रिया शूज ना भीग जाए। जाओ ठीक से, कहाँ गई? ठीक से जाओ, ठीक से पढ़ाई करना, ठीक से, ठीक है बाय। Not much later, भाई साहब इतना पानी कहाँ से आ गया भाई, इतना पानी कहाँ से आ गया, देखो फ्रेंड्स दूर दूर तक पानी भाई, ये देखो भाई इतना सा बारिश में ये हाल, और बारिश होगा तो क्या होगा भाई साहब, पानी देखो भाई मेरा जूस भीग गया। भाई साहब सैलून, सैलून देखा तो मुझे याद पड़ा कि मुझे भी तो हेयर कट करवानी है, शेविंग करवानी है और सैलून खाली भी है, मैं भी जल्दी से हेयर कट करवा लेता और शेविंग करवा लेता हूँ, मिलते हैं फ्रेश होने के बाद। One eternity later. So friends, finally fresh हो गया हूँ, सैलून से हेयर कट भी कर लिया, ट्रिम भी कर लिया और घर जाकर फ्रेश भी हो गया हूँ। टाइम नहीं मिलता है एक्चुअली, कंटेंट सोचो, फिर वीडियो शूट करो, फिर एडिटिंग करो, अपलोडिंग करो, इसीलिए मतलब टाइम ही नहीं मिलता है सैलून जाने का। तो मतलब आज याद पड़ गया, सैलून देखा तो याद पड़ गया, तो जाके फ्रेश हो गया हूँ। तो ज़्यादा कुछ मैं सैलून में करता नहीं, जैसे हेयर कट किया और ट्रिम किया और अब जल्दी चलो घर, घर जाके जल्दी से वीडियो को एडिटिंग करूँ, अपलोड करूँ, टाइमली पोस्ट करूँ ताकि आप लोगों को वीडियो टाइमली मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर बाय।